अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह 5.1 सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। बच्चों 5.1 फाइव चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पास्ट ईयर में देखा हुआ है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 हो गया, 12 हो गए, 4 भी आ गया है। तो बाकी आप पास्ट ईयर खोल लो, आपको आइडिया हो जाएगा। पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5.1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं तो आप लोगों को सब करवाता हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट इतना मैटर नहीं करता। तो ये वो चैप्टर है जो आपने बाकी कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ, अगर कहीं और पढ़ा होता ना तो चलो हम सिलेक्टिव कर लेते, ये वो पोर्शन है जो कहीं भी नहीं आपने पढ़ा हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको इसका बताना, क्वेश्चन सॉल्व करवाना बड़ा जरूरी है। तो 5.1 बच्चों स्टार्ट करते हैं। 5.1 में जो टॉपिक है ना, जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर 5.1 का टॉपिक नहीं है, वो 5.2 5.3 का 5.1 का टॉपिक वही है, जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए आ रहे हो वही आपसे पूछी जाएंगी, उसी से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनका आपने जवाब देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, शो दैट मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस बट नॉट ऑन टी। वो कह रहे हैं कि प्रूफ करो कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो बाइनरी ऑपरेटर है सेट एस के लिए, लेकिन सेट टी के लिए नहीं है। अब कैसे शो करोगे, सबसे पहले आप सेट मेंशन कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सेट एस दिया हुआ है और उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और -1, और दूसरा सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2। देखो प्रूफ करने का तरीका यह है कि आप कंपोजिशन टेबल बनाओ, जिसको मल्टीप्लिकेशन टेबल भी कहते हैं, उस टेबल में आप देखो कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं क्या वो इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर वो सेट से बिलोंग कर रहे होंगे तो वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाया जाएगा। अगर एलिमेंट जो है वो सेट से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, कोई एक भी अगर बिलोंग नहीं कर रहा होगा, तो फिर वो बाइनरी ऑपरेटर नहीं कहलाया जाएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाओ। सबसे पहले सेट एस की बात करते हैं, तो कंसीडर एस, इस सेट को कंसीडर करते हैं और बनाते हैं एक मल्टीप्लिकेशन टेबल। यहां पे आएगा 1 और -1, इसी तरह यहां पे भी लिख दो 1 और -1। और किस ऑपरेटर की बात करनी है, मल्टीप्लिकेशन की बात करनी है, तो यहां पर आप मल्टीप्लिकेशन लिख दो। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर मैं इसको ब्लैक में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाए। यहां पे कैमरा सीधा है ना, थोड़ा तो टेढ़ा लग रहा है। अच्छा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो -1, -1 को 1 से करो -1, और -1 को -1 से करो +1। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, जितने भी ब्लैक में आपको 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं इसी सेट से। तो जब सारे एलिमेंट इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, सो देयरफॉर आपको को बताने की जरूरत नहीं है, चाहो तो बता दो कि ऑल एलिमेंट बिलोंग टू सेट एस, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेटर। तो बस अभी लिख दो, ये चीज आपने शो कर दी है, उसके बाद बताओ कि मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेटर ऑन सेट एस। एक सेकेंड उसके बाद अब सेट करो दूसरा कंसीडर, तो कंसीडर करो आप सेट टी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2। अब जरा इसका कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, 1 2 1 2, अगेन मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करना। तो बच्चों 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आ रहा है, 1 को 2 से करो 2 आ रहा है, 2 को 1 से करो 2 आ रहा है, 2 को 2 से करो 4 आ रहा है। अब देखो बाकी जो 3 एलिमेंट है 1 2 2, ये इसी सेट से बिलोंग कर रहा है, सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब ये, अगर इस सेट से आप 2 उठाओ और 2 को अपने आप से मल्टीप्लाई करो, तो जो रिजल्ट आएगा वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो बाइनरी ऑपरेटर की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप किसी सेट से कोई भी एलिमेंट उठाओ, चाहे एक एलिमेंट को 2 दफा उठा लो या 2 डिफरेंट एलिमेंट उठाओ और उनको आपस में ऑपरेट करो, अगर रिजल्ट उसी सेट में से आ रहा है तो वो बाइनरी ऑपरेटर होगा। तो आपने देखा रिजल्ट, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, 4 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। आप लिख दो नीचे, ये बताने की जरूरत है कि फॉर एग्जाम्पल सिंस 4 डज नॉट बिलोंग्स टू T, 4 जो है वो T से बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर ऑन T। शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप लोग इस तरह पूरा लिख देना। तो भाई ये प्रूव हो गया, ये आपको प्रूव करना था कि मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेटर है S के लिए, लेकिन मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेटर नहीं है T के लिए। तो आपने प्रूव कर दिया, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। 2 में लिखा हुआ शो दैट द एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अब आपको प्रूफ करना है कि एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, सेट आपको डिफाइन किया हुआ है, और इसे लिखा हुआ बट नॉट मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन बाइनरी नहीं है लेकिन एडिशन है। तो इस पे आ जाओ, क्या करना है,
गिवन क्या है बच्चों सेट आपको, सेट एस गिवन है और सेट एस जो है वो बराबर है ए के। अब ए के बारे में बताया जा रहा है सच दैट ए बिलोंग्स टू आई, और ए के बारे में मजीद बताया जा रहा है कि ए जो है वो लेस देन जीरो है। ये सेट एस की सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर आपने चैप्टर वन पढ़ा है तो आपको पता होगा सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरह पढ़ते हैं, क्या मतलब होते हैं। इसका मतलब सच दैट ये बिलोंग टू होता है, वो लेस देन जीरो जो भी है। अब देखो यहां पे आई जो है, मैंने इस बारे में सोचा था, मुझे एग्जैक्ट मिला नहीं है। आई नॉर्मली इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अब मुझे नहीं पता यहां पे इनका मतलब इरेशनल है या कोई रैंडम इन्होंने आई लिया हुआ है बताने के लिए कि भाई किसी भी सेट से बिलोंग कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी एलिमेंट है वो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है। दोनों मतलब आप ले लो, बात एक ही बनेगी, एक ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इनको। अगर आप इरेशनल कंसिडर करना चाह रहे हो तो वही कर लो, कोई इशू नहीं है। असल मसला है कि इस सेट एस के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, असल चीज आपको ये बतानी चाहिए यहां पे। तो पहली बात जो इन्होंने बताया कि सेट एस के अंदर एलिमेंट ए है। अब ए एक एलिमेंट भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहां पे ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आई से। कंसिडरिंग कि आई यहां पे इरेशनल नंबर का सेट है, तो ए जो है वो बिलोंग कर रहा है इरेशनल नंबर से। अब इरेशनल नंबर तो इनफाइनाइट है, लेकिन आगे मजीद बताया गया है कि ए लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव इरेशनल नंबर की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब सेट एस के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, नेगेटिव है। ये बात बस आपको बतानी चाहिए कि सेट ए के अंदर, सॉरी सेट एस के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या है, नेगेटिव है। इस चीज को ध्यान में रखिए। अब आपने प्रूफ करना है कि एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है और मल्टीप्लीकेशन बाइनरी नहीं है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करो, अब देखो यहां पे टेबल आप नहीं बना सकते क्योंकि एलिमेंट्स इतने ज्यादा होंगे, क्या टेबल बनाओगे यहां पे। आप वैसे इस बात को लॉजिकल लेके चलो और खुद ही प्रूव हो जाएंगे। लॉजिकल क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी दो एलिमेंट पिक करो। फॉर एग्जांपल मैंने एक, चलो ए को छोड़ दो, मैं कोई दो रैंडम एलिमेंट पिक करता हूं, एक एक्स पिक करता हूं एक वाई पिक करता हूं जो कि बिलोंग कर रहा है सेट एस से। कहने का मतलब ये कि जो सेट एस है ना, इसके कोई भी दो एलिमेंट मैं पिक करता हूं, एक को मैंने नाम दे दिया एक्स, एक को नाम दे दिया वाई। सच दैट आपको पता है कि यहां पे x जो है वो भी लेस देन जीरो होगा, y जो है वो भी लेस देन जीरो होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था सेट s के अंदर सब नेगेटिव नंबर है। तो जो दो मैंने पिक किए वो भी नेगेटिव ही होंगे भाई। तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, अगर मैं x को y में ऐड करूंगा, तो क्या यह पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास आंसर ग्रेटर देन जीरो आए? भाई जब दो नेगेटिव नंबर है, दो नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। माइनस टू को फॉर एग्जाम्पल माइनस वन में ऐड करोगे तो क्या पॉजिटिव नंबर आएगा? नहीं। दो नेगेटिव नंबर को जब भी आप ऐड करते हो रिजल्ट में नेगेटिव ही आता है। तो इसका मतलब जब मैं एक्स और वाई को ऐड करूंगा रिजल्ट में क्या आएगा, लेस देन जीरो, कोई भी नेगेटिव नंबर आ रहा होगा, यही होगा ना। और आपको यहां पर बताया कि अगर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है तो वो इस सेट के अंदर कवर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब जो भी इसका रिजल्ट है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर तो ऑलरेडी सेट एस से बिलोंग करते हैं। तो आपने इसे लिख दिया एक्स प्लस वाई जो है ना बच्चों वो बिलोंग कर रहा है एस से। क्योंकि कंसीडर करो कि भाई आपने इसको इरेशनल कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि आई का मतलब इरेशनल बन रहा होगा। तो अगर आई का मतलब इरेशनल है तो आपने दो इरेशनल नंबर पिक किए जो कि नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल आपने एक पिक कर लिया आसानी के लिए रूट टू पिक कर लिया, एक आपने माइनस पाई पिक कर लिया। नेगेटिव वाले इरेशनल नंबर लेने, तो ये नेगेटिव वाले इरेशनल नंबर है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट में नेगेटिव नंबर आ रहा होगा, और वो जो नेगेटिव नंबर आएगा एक तो वो नेगेटिव होगा साथ साथ वो इरेशनल होगा। तो नेगेटिव इरेशनल नंबर सारे सेट एस से बिलोंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये इनको ऐड करने के बाद भी जो रिजल्ट आ रहा है वो इसी सेट से बिलोंग कर रहा है जो मैंने इस तरह लिखे, कि मैंने ऊपर मेंशन किया कि एक्स प्लस वाई लेस देन जीरो होगा, तो भाई एक्स प्लस वाई इसका मतलब सेट एस से बिलोंग कर रहा है क्योंकि सेट एस में सब नेगेटिव नंबर मौजूद है, ठीक है। तो यहां से आपने देख लिया कि जब इन दो नंबर को ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट भी उसी सेट से आ रहा है। देयरफॉर एडिशन is a binary operation on S। इसको सिंस करके लिख सकते हो, सिंस x plus y belongs to S, क्योंकि ऊपर आपने बताया ना x plus y negative होगा, तो नीचे देख दो सिंस x plus y belongs to S, therefore addition जो है वो binary operator नहीं। अच्छा अब बात करते हैं multiplication के लिए। तो सेम वही कंसिडर करो कि x y दो एलिमेंट पे कर लो सेट S में से, such that दोनों जो है वो less than zero होंगे क्योंकि सेट में सारे नंबर जो है वो नेगेटिव ही हैं, तो दो नंबर आपने पिक कर लिए। आप उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो एक्स को जब मैं वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो आएगा या लेस देन जीरो होगा? डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि मुझे पता है एक्स और वाई दोनों क्या है, नेगेटिव है। जब दो नेगेटिव नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो इस मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट में आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा।
और आपको पता है पॉजिटिव नंबर इस सेट के अंदर मौजूद नहीं होंगे, यहां पे सारे जो नंबर है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि x मल्टीप्लाई वाई, डॉट लिख दो, ज्यादातर लिख रहे होते हैं, x मल्टीप्लाई वाई जो है ये डज नॉट बिलोंग टू s। तो जब मल्टीप्लीकेशन में जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो दैट सेट वो बाइनरी ऑपरेटर नहीं हो सकता। तो आप लिख देना देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर ऑन s। तो सेट s है उसमें मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। एक वक्त था कि चैप्टर नंबर 5 मेरा वीकेस्ट पोर्शन होता था मैथ के अंदर, आफ्टर प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल। थैंक्स टू माय टीचर, गलत बात भी है, लाइक नुकसान भी हुआ मेरा, लेकिन एक फायदा ये हुआ कि उन्होंने मुझे सही तरह पढ़ाया नहीं था, तो मैंने इसको खुद सीखा और खुद अब मैंने इतना सीख लिया कि माशाल्लाह कि मेरे कॉन्सेप्ट काफी अच्छे हैं इन चैप्टर्स के। तो जैसे उनकी बुरी चीज थी कि उनको सिखाना चाहिए था, लेकिन एक अच्छा पॉइंट भी उसमें से यह था कि उन्होंने मुझे सही तरह सिखाया नहीं, और जब मैंने खुद सीखा तो मैंने प्रॉपर सही तरह सीखा, तो काफी कॉन्सेप्ट अल्लाह का शुक्र है मजबूत हो गया मेरे। बाकी स्टॉक पे भी डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है लेट एस, एक सेट को डिफाइन किया गया, सेट क्या है एस, ठीक है, और सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है और डी है, और यहां पे ए बी सी डी कोई एलिमेंट्स कोई नंबर नहीं है, ये भी सेट है। उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि ए यहां पे क्या है बच्चों, ए यहां पे है ए कॉमा बी, जो कैपिटल बी है वो यहां पे है ए कॉमा सी, और जो कैपिटल सी है वो यहां पे है ए बी सी, और जो कैपिटल डी है वो बच्चों एम्प्टी सेट है। तो कहने का मतलब इस सेट के अंदर ए बी सी डी ये एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि ये खुद सेट है, ठीक है। तो ये वो सेट है जिसके अंदर सेट ही मौजूद है। करना क्या, शो दैट यूनियन इज अ बाइनरी ऑपरेशन बट नॉट इंटरसेक्शन। कहना चाह रहे हैं कि प्रूफ करो ये जो सेट एस है यूनियन बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन इंटरसेक्शन यहां पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब क्या कहेंगे भाई, आपको पता है चार एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो आसानी से मल्टीप्लीकेशन टेबल बना लो, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाते हैं, ए बी सी डी, इसी तरह ए बी सी डी। सबसे पहले बच्चों बात करो यूनियन की। अब यहां पे आपकी मर्जी है, अगर आप मैथ आपकी अगर वीक है तो आप स्टेप दिखा दो उनको तो सही रहेगा, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इतना इश्यू नहीं है। अब आपने करना क्या है, ये यूनियन परफॉर्म करना है सब एलिमेंट्स के दरमियान, टोटल चार इसके तो 16 एलिमेंट्स यहां पे आ रहे होंगे। सबसे पहली बात ए यूनियन ए, फिर ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, फिर ए यूनियन डी। अगर आप वर्बली नहीं निकाल सकते तो लिख के निकाल लो मैनुअल, जैसे पहली रॉ का मैं लिख के निकाल देता हूं आपको, साइड में निकाल लो तो सही है, सामने सामने बदल जाएगा। सबसे पहले आपने ए यूनियन ए निकालना है, तो यार ए यूनियन ए निकालने की ऐसी जरूरत भी नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो डायरेक्ट। याद रखना किसी भी एक सेट का अगर अपने आप से यूनियन लोगे तो वही सेट आंसर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए यूनियन ए जो है वो यहां पे ए कॉमा बी के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ए यूनियन ए क्या आ रहा है, ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी हकीकत में क्या है, सेट ए के बराबर है। भाई जब मैं ए का यूनियन ले रहा हूं ए से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी असल में क्या है, सेट ए के बराबर है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि ए यूनियन ए का आंसर ए के बराबर आएगा, और ये प्रॉपर्टी भी है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अच्छा फिर है ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी निकालते हैं भाई, ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी का जब आप यूनियन लोगे तो सबसे पहले इसके एलिमेंट है ए बी, इसके एलिमेंट है ए सी, ए रिपीट हो रहा है तो ए तो आप ए की दफा लिखोगे, अच्छा फिर बी लिखो आप और फिर आप सी लिखो, तो इसका मतलब ए यूनियन बी में क्या आ रहा है, ए बी सी, और ये ए बी सी यहां पे किसके बराबर है, ये जो ए बी सी सेट है ये बेसिकली क्या है, ये सी के बराबर है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी किसके बराबर आ रहा है, सी के बराबर आ रहा है। इसी तरह आप निकालो ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या होता है, ये ए है और ये सी है, तो अगर आप देखो ए बेसिकली सबसेट है सी का, तो जब ए कोई सेट सबसेट होता है ना, तो यूनियन में जो बड़ा सेट है वही आ रहा होता है। मतलब ए का अगर सी से यूनियन निकालोगे तो ए को कंसीडर ना भी करो तो बेहतर है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर मौजूद है, तो यूनियन के आंसर में क्या आ जाएगा, ए बी सी, मतलब सेट सी के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद निकालो ए यूनियन डी, ए यूनियन डी क्या हो जाएगा, भाई याद रखना जब भी आप एम्प्टी सेट से यूनियन निकालते हो तो बेसिकली एम्प्टी सेट जो है ना वो एक आइडेंटिटी है, जैसे आपने रियल नंबर्स की पढ़ी थी ना, आइडेंटिटी जीरो है,
आप किसी भी नंबर को जीरो में ऐड करोगे उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह किसी भी सेट का यूनियन अगर आप एम्प्टी सेट से लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेट वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ए कॉमा बी अपनी जगह पे आ जाएगा जो कि बराबर है सेट ए के, यहां पे ए आ गया। ठीक है, अब इसी तरह आपने बाकी सारे फिल कर लेना। अब मैं मैनुअल कर देता हूं, ये आप लोग कर लेना। आप निकालोगे बी यूनियन ए, भाई जो ए यूनियन बी है वही बी यूनियन ए होगा, तो ए यूनियन बी सी था, बी यूनियन ए बी सी होगा। बी यूनियन बी, भाई एक सेट का यूनियन अपने आप से वही होता है। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन लोगे तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, मतलब सी के बराबर ही हो जाएगा। इन दोनों का यूनियन लो, ए बी सी आएगा। इसी तरह बी का यूनियन डी से लो, अगेन एम्प्टी सेट है तो बी अपनी जगह पर आ जाएगा। अच्छा, अब सी का यूनियन ए से लो, भाई ए यूनियन सी और सी यूनियन ए, ए की बात है, यहां पर सी आ जाएगा। सी का यूनियन लो बी से, तो सी और बी का यूनियन लोगे अगेन सी के बराबर हो जाएगा। सी का यूनियन सी से लो अगेन सी हो जाएगा, सी का यूनियन डी से लो अगेन सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर डी का यूनियन ए से लो, अगेन डी एक एम्प्टी सेट है, इसका यूनियन अगर ए से लोगे तो सेट ए के बराबर ही होगा। डी का यूनियन, अच्छा यहां पे जिससे आप यूनियन ले रहे हो ना डी का, वही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि डी एक एम्प्टी सेट है, एक आइडेंटिटी है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा किसी सेट को। तो डी का यूनियन बी से लो बी आएगा, डी का यूनियन सी से लो सी आएगा, डी का यूनियन डी से लो तो डी ही यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो एक बात को, वो बात ये है कि डी जो है वो यहां पे एस आइडेंटिटी ट्रीट हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप ऑब्जर्व करो ये जो 16 एलिमेंट आपके सामने आए हैं, क्या ये इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं? बिल्कुल। ये जो सेट एस था इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से थे? ए बी सी डी। यहां पर जितने 16 एलिमेंट आए हैं वो सब इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, कोई सेट के बाहर नहीं है। तो आप नीचे लिखोगे देयरफोर यूनियन इज अ बाइनरी ऑपरेटर ऑन सेट एस। तो एक चीज तो आपने प्रूफ कर दी। अब बात करते, अगर हेडिंग बनाना चाहो तो लिख देना फॉर यूनियन। अच्छा, अब आप लिखो फॉर इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन को चेक करना है कि क्या वो बाइनरी ऑपरेटर है यहां पे या नहीं। तो इंटरसेक्शन के लिए एक इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होगा, आप मैनुअल खुद देख लूंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। टेबल बनाओगे टाइम जाया करोगे अपना, क्योंकि अगर एक रिजल्ट भी उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा ना तो ये काफी है बोलने के लिए कि वो बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। और अगर आप सिंपल सा केस डिस्कस करो यहां पे कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए और बी का इंटरसेक्शन ए है, मतलब सेट ए और बी का जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो कॉमन एलिमेंट क्या है? कॉमन एलिमेंट सेट ए है ना भाई। आप यहां पर मैं निकाल देता हूं ना कि सबसे पहले आप निकालो ए इंटरसेक्शन बी, ए है यहां पर ए कॉमा बी और बी है यहां पर ए कॉमा सी। जब आप इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए एलिमेंट कॉमन है इसके अंदर, तो ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। और आप ये बात ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो सेट ए है ये डज नॉट बिलोंग टू सेट एस। नॉर्मली आपके पास जो भी सेट आते थे वो इसी सेट से बिलोंग करते थे, लाइक रूट जो सॉरी सेट ए बी, ये इसी सेट के अंदर मौजूद है। जो ए था इसके अंदर ए बी एलिमेंट था ना, इसी तरह ए बी सी ये भी सेट एस के अंदर मौजूद था, क्योंकि सेट एस के अंदर एक सेट था सी जिसके एलिमेंट थे ए बी सी। मतलब यहां पे जो भी आप रिजल्ट निकाल रहे थे उसी सेट से आ रहा था, लेकिन यहां पे आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला और आपने देखा कि वो सेट आ रहा है जो कि एस के अंदर मौजूद ही नहीं है। एस के अंदर इन चार सेट के अलावा कोई भी नहीं है, और इन चार सेट में कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसके अंदर एलिमेंट जस्ट ए हो। इसका मतलब ये सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, लाइक दो सेंस ये देयरफोर इंटरसेक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर ऑन एस। इंटरसेक्शन जो है वो यहां पे बाइनरी ऑपरेटर नहीं। उसके बाद बच्चों 4 है, 4 में अगेन इसी टाइप का सवाल है, ए बी सी डी की वैल्यू चेंज की हुई है और यहां पे आपको प्रूफ करना है कि यूनियन इंटरसेक्शन दोनों बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये आप लोग देख लेना, यही मल्टीप्लिकेशन टेबल यहां पे भी बनेगा, यहां पे भी बनेगा। अच्छा, यहां पे क्यों बनेगा? इस वाले केस में मैंने नहीं बनाया था, क्यों? क्योंकि देखो अगर आपने प्रूफ करना है कि ये चीज बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो एक चीज भी काफी है इस चीज को करने के लिए। मतलब अगर आप एक भी चीज प्रूफ कर दो ना कि यार ये सेट से बिलोंग नहीं कर रहा तो दैट्स इट, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो दैट्स इट, टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी, एक चीज हमने वैसे ही प्रूफ कर दी है। लेकिन अगर आपको प्रूफ करना हो कि बाइनरी ऑपरेशन है तो 16 के 16 आपको निकाल के दिखाने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट देख लो। ना प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंट भी काफी है, और प्रूफ करने के लिए 16 के 16 एलिमेंट दिखाने पड़ेंगे कि आप 16 के 16 एलिमेंट इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं इसको बोल रहा हूं कि बाइनरी ऑपरेशन है। तो इंटरसेक्शन में आपने इसी तरह कंपोजिशन टेबल बनाना, यूनियन में भी टेबल बनाना, देखना जो भी रिजल्ट आ रहे होंगे वो उसी सेट में से होंगे, तो आप कह देना है कि दोनों बाइनरी ऑपरेशन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है शो दैट मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो यहां पर बाइनरी ऑपरेशन है।
तो सेट एस क्या आपको गिवन है यार, इस सेट को जरा गौर से देखो, ये बेसिकली क्यूब, इसको आप कहते हो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। जैसे टॉपिक होता है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मुझे मैंने चैनल पे अपलोड नहीं किया, ये सिंध बोर्ड का टॉपिक नहीं है, फेडरल बोर्ड में आपको मिल जाता है। जैसे होता है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तीन होते हैं, वन, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी होता है, यूनिटी का फोर्थ रूट 1/4, जैसे 1/3 क्यूब रूट था, 1/4 फोर्थ रूट होगा। तो उसके चार आते हैं, 1-1 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये बेसिकली फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो सबसे पहली चीज तो आपको प्रूफ यहां पे करनी है कि मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, उसके बाद बाकी बात देखेंगे। तो आप कंपोजिशन टेबल बना लो यहां पे, 1-1 आयोटा माइनस आयोटा, 1-1 आयोटा माइनस आयोटा, और मल्टीप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं तो सही कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 1 को -1 से -1, 1 को आयोटा से आयोटा, 1 को माइनस आयोटा से माइनस आयोटा, क्योंकि 1 एक आइडेंटिटी है, उसको आप किसी से भी ऑपरेट करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 को 1 से करो -1, -1 को -1 से करो 1, -1 को आयोटा से करो माइनस आयोटा, -1 को माइनस आयोटा से करो तो पॉजिटिव आयोटा, आयोटा को 1 से करो आयोटा, आयोटा को -1 से करो तो माइनस आयोटा, आयोटा को आयोटा से करो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपको पता -1 होता है, मतलब जब आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे आयोटा से ना तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। इसी तरह इस आयोटा को माइनस आयोटा से करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर -1 -1 पॉजिटिव, माइनस आयोटा को 1 से करो माइनस आयोटा को -1 से करो आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से करोगे अगेन माइनस आयोटा स्क्वायर, रिजल्ट हो जाएगा 1, और माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करोगे तो आयोटा स्क्वायर जो कि होता है -1। अब अगर आप इन 16 एलिमेंट्स को देखो सब इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां पे आप एक ऑब्जर्व करोगे कि मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, या इसको दूसरी लैंग्वेज में ये बाइनरी ऑपरेटर के सेंस में पढ़ लेना, बुक ने क्लोजर को इतनी अहमियत दी नहीं, आप इसको इस तरह भी बोल सकते हो के सेट एस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसी तरह यहां बोल सकते थे सेट एस इज क्लोज्ड अंडर यूनियन, सेट एस इज नॉट क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन, या ये भी बोल सकते हो सेट एस इज ओपन अंडर इंटरसेक्शन। तो ये बाइनरी ऑपरेटर के सेंस में भी बोल सकते हो, और वैसे भी आप इसको बोल सकते हो क्लोजर लॉ के सेंस में, ठीक है। अब देखो दूसरा काम भी यहां पर करना है आपको, दूसरा काम यहां पर क्या है कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी थी, क्या प्रूफ करना है कि इस मल्टीप्लीकेशन कमोटेटिव एंड एसोसिएटिव इन एस, कि इस सेट एस में जो मल्टीप्लीकेशन है वो एसोसिएटिव है, और साथ साथ ही प्रूफ करना क्या वो कमोटेटिव है, तो प्रूफ करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कमोटेटिव प्रूफ करते हैं, कमोटेटिव, कमोटेटिव के लिए क्या करना पड़ता है आप मेंशन कर दो, कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए स्टेरिक बी बराबर होना चाहिए बी स्टेरिक ए के, ठीक है, फॉर ऑल A, B belong to S. For example, set S से कोई भी दो एलिमेंट पिक कर रहे हो तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, जिस ऑर्डर में आप उसको ऑपरेट करो, और यहां पे मल्टीप्लीकेशन की सेंस है तो आप मल्टीप्लीकेशन लगा दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर आपको पता है ना मल्टीप्लीकेशन के। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे, आप यहां पे किसी भी दो एलिमेंट को ले लो और उनको आपस में ऑपरेट करवाओ, तो रिजल्ट जो है वो हमेशा आपस में बराबर होगा। ये आपने ऊपर मेंशन भी किया है, नीचे एक आधी एग्जाम्पल भी आप देके बता दो, क्योंकि सबकी एग्जाम्पल थोड़ा ना दोगे, कितनी दफा मल्टीप्लाई करोगे, 16 मल्टीप्लीकेशन है यहां पे, तो बार बार चेक करके दिखाओगे उनको। तो फॉर एग्जांपल आप यहां पे मेंशन कर दो कि फॉर एग्जांपल आपने 1 पिक किया, और फॉर एग्जांपल 1 को माइनस आयोटा से आपने किया था ना, तो 1 को मल्टीप्लाई करो माइनस आयोटा से, ये बराबर है कि माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करो 1 से, एक ही बात है ना। तो अगर आप ऑब्जर्व करो 1 को माइनस आयोटा से करो तब भी माइनस आयोटा आएगा, और माइनस आयोटा को 1 से करो तब भी माइनस आयोटा आएगा, तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो है सेट जो है कमोटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद आपने एसोसिएटिव को प्रूव करना है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप कोई भी तीन एलिमेंट पिक करो, फॉर एग्जांपल ए पिक किया, बी पिक किया, सी, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करो, अगर ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करो या यहां पे बी को पहले सी से मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। नीचे हम प्रूफ करके भी दिखा देंगे, लेकिन अभी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपस में बराबर हैं अगर आप कोई भी तीन एलिमेंट उठा लो इस सेट के अंदर से। यहां फॉर ऑल का सिंबल डाल देना, फॉर ऑल ए बी सी, कोई भी तीन एलिमेंट उठाओ सेट एस से, आप देखोगे ये बात ऑब्जर्व हो रही है, और उनको बताने के लिए एग्जांपल भी दे दो कोई।
फॉर एग्जाम्पल आप वन को पिक कर लो, आप आयोटा को पिक कर लो, और फॉर एग्जाम्पल आप माइनस वन को पिक कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम ऑर्डर चेंज कर दो, आप पहले वन को ऐसे रहने दो और आयोटा को मल्टीप्लाई करो माइनस वन से। मैं ब्रैकेट का ख्याल रख रहा हूं कि स्टूडेंट माइनस प्लस से देख के कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो यहां पे पहले वन को आयोटा से मल्टीप्लाई करो जो रिजल्ट आए उसको माइनस वन से करो, और यहां पे पहले आयोटा माइनस वन को मल्टीप्लाई करो जो रिजल्ट आए उसको वन से करो। तो वन को आयोटा से करोगे आयोटा आएगा, ये हो जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई माइनस वन, और यहां पे आयोटा को माइनस वन से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। दोनों तरफ चीजें सेम ही है, आयोटा को माइनस वन से करो या वन को माइनस आयोटा से करो। नेक्स्ट टाइम में चाहो तो लिख लेना आप इसका आंसर भी क्या होगा माइनस आयोटा, इसका आंसर भी क्या होगा माइनस आयोटा। तो लिख देना इसे रिमार्क्स में, लिख देना यहां पे भी ये लिखना बात कि देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव इन सेट एस, जो भी है सेट एस के अंदर जो मल्टीप्लीकेशन है एसोसिएटिव है, और यहां पे लिख देना कि सेट मल्टीप्लीकेशन इज कमोटेटिव इन एस। अच्छा यहां पे अगर आप बाकी प्रॉपर्टी भी, क्योंकि ऐसे सवाल आएंगे जिसमें बाकी प्रॉपर्टी भी प्रूफ करने को बोली गई है, तो यही मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, शायद कोई और सवाल भी करवा दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो हर क्या कहते हैं एग्जांपल के अंदर सेम ही रहता है। फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रूफ कर लिया ना, अगर आपको बोलते हैं प्रूफ करोगे इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे प्रूफ करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये सवाल का हिस्सा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल बोले कि प्रूफ करो कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है यहां पे। तो अब अगर आप इसमें देखो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती क्या है, सिंपल सी बात है, यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो वन एक आइडेंटिटी है कि टेबल शोज वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। दैट इज क्या मतलब, मैंने जो बात लिखी है वन आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पे लिखता था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो रही है, नीचे मैं प्रूफ भी देता था क्या ये प्रूफ हो रही है। तो अगर आप जनरलाइज बात करो यहां पे ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है सेट का, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करो वन से या वन को मल्टीप्लाई करो ए से, रिजल्ट आपके पास ए ही आ रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग टू एस। कहने का मतलब ये कि एस का कोई भी आप एलिमेंट उठाओ उसको आपस में आप उसको वन से, मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट आपने उठाया उसको आपने वन से मल्टीप्लाई किया, और ऑर्डर मैटर नहीं करता, रिजल्ट में आपके पास ए ही आ रहा है। और ये बात आप ऑब्जर्व कर सकते हो, माइनस वन को उठाओ वन से मल्टीप्लाई करो माइनस वन आ रहा है, आयोटा को उठाओ वन से मल्टीप्लाई करो आयोटा आ रहा है, माइनस आयोटा को उठाओ वन से मल्टीप्लाई करो माइनस आयोटा ही आ रहा है। इसका मतलब कि वन जो है वो यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, और मतलब पहली चीज आपने दिखाई है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है यहां पे इस सेट के अंदर, वन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर आपने नीचे बताया कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे आया है, क्योंकि वैसे आप बोलोगे सर मल्टीप्लीकेशन में वन तो आइडेंटिटी होती है, लेकिन अभी ऐसे भी ऑपरेशन डिस्कस करोगे उसमें आइडेंटिटी वन नहीं है, वो ऑपरेशन अलग तरह से डिफाइन किया उन्होंने। तो दैट्स व्हाई अपनी हैबिट बनाओ जो आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर आप उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क ना पड़े, वो उनको दिखाना पड़ेगा आपको। तो नीचे प्रूफ करके भी दिखा दिए कि हाँ भाई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और ये जो रिलेशन है वो यहां पे फॉलो हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इनवर्स का बोलते हैं, इनवर्स कैसे दिखाते हैं, ठीक है, इनवर्स का अगर आपको दिखाना होता तो आप यहां पर कहते हैं कि ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ए इनवर्स से तो रिजल्ट में मेरे पास वन आ रहा है। अब ये जनरलाइज बात की, वन यहां पे आइडेंटिटी है ना, आप ई भी लिख सकते थे, लेकिन मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं। तो मैंने देखो इनके जो सॉल्यूशन होते हैं ना, ये बस असल बात है समझाने की, इसमें आमतौर पर कुछ बहुत ही नोटेशन में टीचर करवाते हैं, अगर करवा दें चैप्टर फाइव को तो बहुत ही नोटेशन फॉलो कर रहे होते हैं, आप कर सकते हो कोई सुनिए, गाइड भी आपको मिलेगा बहुत नोटेशन फॉलो की हुई, लेकिन पेपर में भूल जाओगे इतना याद करने की क्या जरूरत है आपको। बस असल बात है कि जो मेन कॉन्सेप्ट है ना आपको क्लियर होना चाहिए, अगर कोई इनवर्स यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब उस सेट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में आइडेंटिटी आनी चाहिए, मतलब वन आना चाहिए फॉर ऑल ए और ए इनवर्स बिलोंग टू एस। मतलब पहली स्टेटमेंट में मैंने उनको बता दिया कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है यहां पे, क्यों, क्योंकि मैं सेट के किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो वन आ रहा है, और मैंने आगे बताया भी कि ए और उसका इनवर्स उसी सेट के अंदर मौजूद है। अभी मैंने बात बोली है लेकिन प्रूफ नहीं दिया इसका, नीचे चाहो तो आप प्रूफ दे दो, ठीक है। और प्रूफ किस तरीके से करोगे, आसानी से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो कोई भी आइडेंटिटी है ना तो वो अपना ही इनवर्स, मतलब उसका इनवर्स वो खुद ही होता है। फॉर एग्जांपल वन जो है वो एक आइडेंटिटी है,
मल्टीप्लाई के डिवाइडेंट है, उसका इनवर्स जो है वो 1 ही है, 1 का इनवर्स 1 ही होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप मैट्रिसेस के संदर्भ में बात करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी है ना, इसका जो इनवर्स है वो भी आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स भी आइडेंटिटी ही है। तो ये बात आपको मिलेगी हमेशा कि जो खुद आइडेंटिटी है ना, तो उसका जब आप इनवर्स निकालोगे तो वो खुद ही होगा, ठीक है। तो यहां पे आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि देखो इनवर्स का कॉन्सेप्ट तो ये होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 1 का इनवर्स, तो 1 के इनवर्स का मतलब क्या है कि 1 से मैं किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट में आइडेंटिटी आए। तो 1 को मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा रिजल्ट में 1 आए, तो 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे आपने यहां पे देखा था 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा था, आइडेंटिटी आ रही थी। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं ब्लैक से लिख देता हूं, जो इनवर्स है वो मैं ब्लैक से लिख रहा हूं। तो अगर आप ऑब्जर्व करो 1 का इनवर्स इसी सेट के अंदर मौजूद है। इसी तरह -1 को कंसिडर करते हैं, -1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट में मेरे पास 1 आए, देख लेते हैं। देखो -1 को आपने जब मल्टीप्लाई किया था -1 से तो रिजल्ट क्या आ रहा था, 1। इसका मतलब -1 का इनवर्स जो है वो -1 ही है। इस वाले सेट के अंदर जब -1 का आप इनवर्स निकाल रहे हो, आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे आता है, अगर -1 है उसका रेसिप्रोकल करो, -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, -1 ही होगा। तो आप इस सेंस में भी निकाल सकते हो, अगेन -1 का इनवर्स भी यहां पे मौजूद है। अच्छा अब आप कंसीडर करो आयोटा, आयोटा का इनवर्स निकालते हैं। अब आयोटा का इनवर्स का मतलब आयोटा को ऐसे से मल्टीप्लाई करो कि रिजल्ट में 1 आए, ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आयोटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 1 आ रहा है, आयोटा का जब मैं -आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब रिजल्ट 1 आ रहा है। और आप दूसरे इसमें भी निकाल सकते हो आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू -आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेना। तो अगेन आयोटा के भी इनवर्स मौजूद है अंदर। इसी तरह आखिरी चीज बची है -आयोटा, -आयोटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट में आइडेंटिटी आए, मतलब 1 आए। तो ये आपको देखने में लग रहा है 1 कहां पे आ रहा है, जब मैं -आयोटा को आयोटा से कर रहा हूं। तो अगर आप ऑब्जर्व करो इन सब एलिमेंट्स के इनवर्स इनमें मौजूद है, तो ये मैंने बात ऊपर ही लिख दी थी कि किसी भी ए को मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स से तो आंसर 1 आ रहा है, मतलब वो ए जो है वो भी सेट के अंदर मौजूद है और उसका इनवर्स जो है वो भी सेट के अंदर मौजूद है। और नीचे मैंने एग्जांपल करके भी दिखा दी कि हाँ भाई जो मैंने बात लिखी है इसका प्रूफ मैंने आप लोगों को दिया, खाली खाली मैंने बात नहीं लिखी यहां पे। तो इस तरह प्रॉपर्टीज को चेक करोगे, और क्लोजर तो आपने पहले चेक कर ली थी, जो ऊपर आप चेक कर रहे थे क्लोजर ही चेक कर रहे थे। जो 5 प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की है ना वो सब मैंने चेक करके आपको दिखा दी है। तो जो पहली थी वो बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी थी, जब आपने प्रूफ किया कि बाइनरी ऑपरेटर है तो आप ये बात लिख सकते हो ना कि सेट एस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, डॉट भी लिख सकते हो, वो मल्टीप्लाई के निशान भी डाल सकते हो, डॉट ज्यादा फिजिबल रहता है, डॉट लिख दिया करना, डॉट थोड़ा आसान रह जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि एस इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये भी बात कह सकते हो, आप बोल सकते हो मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेटर ऑन एस। तो बच्चों मैंने एक ही एग्जाम्पल है इस टाइप की, मैंने आपको सब बता दिया कि इनवर्स, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, बाइनरी ऑपरेटर किस तरह आप प्रूफ करोगे।